कि आप जब भी आ सकते हैं आराम से कराइए, कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। सर उनको तो फेथ रखिए और आराम से आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राकेश शाह जी, आज आपका जो है हेयर ट्रांसप्लांट है और आपकी एज जो है 39 इयर्स है, आप हमारे पास बहुत टाइम से आ रहे हैं। जी सर। और आपके थ्रू जो है हमारे पास कुछ और पेशेंट भी आए और हेयर ट्रांसप्लांट भी करा देंगे, हेयर ट्रीटमेंट भी करा देंगे। तो आज अल्टीमेटली आपको छुट्टी मिली। बिल्कुल सर। तो इससे पहले आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी, आप भी करा रहे थे। आपका प्लान बहुत दिनों से था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। तो सबसे पहले मैंने ये जो है डोनर एरिया कर दिया मार्किंग। आज आपका FUT है तो डोनर एरिया मैंने मार्किंग कर दिया है। आपका कंसर्न तो ये दो साइड है और ऊपर का वर्टेक्स वाला एरिया है। तो मैं सबसे पहले जो है उससे हेयरलाइन को ही एडजस्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि हेयरलाइन ठीक करना जरूरी है, ये रेसिडिंग है, हेयरलाइन इरेगुलर होती है, ये बात आपको पता ही है। जी सर। है ना, बिल्कुल इरेगुलर होगी। ठीक है। और अभी हमारा जो मेन कंसर्न वाला जो एरिया है वो ये है। हमको इस एरिया में अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट करना होगा। लार्ज एरिया है, ये बीच का एक जोन है, उस जोन में आपके अपने हेयर्स हैं, हम उसमें भी ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन उनकी डेंसिटी, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग हेयर्स को भी बचाना है, तो उनकी डेंसिटी इनकी अपेक्षाकृत कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि सामने का आपने एक देखा, एक लाइन अच्छी सी है, उसके बाद एकदम डेंसिटी कम हो रही है, फिर वैसी डेंसिटी हम यहाँ पे ये वाले एरिया में देंगे, इससे कम डेंसिटी हम इस एरिया में देंगे। अगर आप इसके दो पार्टीशन करें लेफ्ट एंड राइट, तो ये टोटल जोन वाइज डिवाइड हो जाए। मैं आपको सबसे पहले मिरर में दिखा देता हूँ। सिर को एक बार थोड़ा सा नीचे करिए। ठीक है, हमने शुरू किया ये जगह से हेयरलाइन को। ओके सर। ठीक है, ये आपको हेयरलाइन पसंद है? बिल्कुल सर। इसकी अपर मार्जिन से जाएगी। अच्छा, ये वाला हिस्सा देखिए, इसका हेयर बहुत अच्छा है। इस सेट का ये सेंटर का, ये सेंटर वाला है। हाँ, ये यहाँ से है। ठीक है। हाँ ठीक है। और फिर देखिए कि ये वाला हिस्से का जो हेयर है, इसकी अपेक्षा करें तो ये बहुत कम है। बिल्कुल सर। और ये और कम है। तो हम ये पॉइंट तक जा रहे हैं आज। ओके। तो हम डेंसिटी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी रखेंगे, जिसमें कि ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे कि आपका अपना अच्छा है। ठीक है सर। फिर उसकी डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक की डेंसिटी इसकी अपेक्षा कम रहेगी, क्योंकि हमको ऐसे सजाना होगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर। हेयर तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये गैप है इसमें से। हाँ, गैप में रहेगा, ये पहला वाला गैप से स्टार्ट होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस गैप में तो रहेगा। अब एक बार आप आईब्रो लिफ्ट करिए। हाँ ठीक। तो आपका अपर मार्जिन से हमको जाना होगा इसकी। ये गैप आएगा, मतलब हमको फिल करना है। ठीक। हेयर ट्रांसप्लांट से मतलब सर, जो वाटर के बीच जितना गैप है सब फिल होगा। हाँ, मार्किंग से ऊपर जितना भी गैप है ये पॉइंट तक। ओके। यहाँ तक पूरा फिल होगा। ठीक है। ओके सर। अब आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल सर। प्रोसीड करें। बिल्कुल। चले। ठीक। राकेश जी, अभी पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। जी सर। तो FUT से ही हमको करना था और FUT से ही किया। तो सुबह जो ड्राइंग की थी, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये था, ग्राफ था, वो हम और ज़्यादा पीछे की तरफ चले गए। okay. क्योंकि हमको थोड़े से ज़्यादा भी ग्राफ मिल गए थे, तो उस हिसाब से, और प्लस आपने जो अभी ख़त्म होने के बाद में मिरर में देखा भी होगा, तो आपको कैसा लगा? बिल्कुल फाइन सर। आप खुश हैं? बिल्कुल सर। ऐसे तो आप हम लोगों को बहुत दिनों से जानते हैं। ठीक है। तो आप जैसे आज OT के अंदर गए, तो घबराहट, डर, नथिंग? बिल्कुल नहीं सर, कुछ भी नहीं। बहुत कंफर्टेबल। और प्रोसीजर के दौरान आपको कुछ मतलब ऐसा लगा हो कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सर। आप थे, हमको पूरा यकीन था, आपके साथ पुराना रिलेशन है सर। आए आप, अच्छे से मेरा किए ट्रीटमेंट, हम पूरा सेटिस्फाई सर। क्योंकि आपके द्वारा जो है, जो दूसरे भी भेजे गए, उनके भी रिजल्ट जो आए, उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। बिल्कुल सर। और वो लोग भी बहुत खुश हैं। तो
मोर और लेस आपको चीजें तो पता ही थी। बिल्कुल सर, ठीक है। आज हमने आपकी एक पीआरपी भी दी है, बाकी जितनी पीआरपी रहेगी और वो जो है आपको टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, तो प्रोसीजर में आप पूरे खुशी हैं और तो कुछ पूछने का है ही नहीं? नहीं बिल्कुल सर। कुछ आपका मैसेज हो तो दे। मैसेज यही है कि आप जब भी आ सकते हैं आराम से कराइए, कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। सर और प्रोफेट रखिए और आराम से आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।